हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मैनिपुलेशन बनाएंगे इस इमेज के ऊपर, ठीक है। तो अब से जो वीडियोस आएंगी वो ज़्यादातर मैनिपुलेशन के ऊपर ही आएंगी, क्योंकि हमने टूल्स सीख लिए, अब हम उन्हें और कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज को अनलॉक करते हैं। इस मैनिपुलेशन के लिए मैंने 3 इमेजेस का यूज़ किया है, एक ही आपके सामने है और बाकी की 2 ये नहीं। ओके, इनको भी इम्पोर्ट करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाके इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी डल कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे। ओके, फिर यूएन सैचुरेशन का यूज करेंगे इसी इमेज के ऊपर। ओके, ये वाला शेड लिया है मैंने। अब नेक्स्ट हमें अपनी एक इमेज यहाँ पे लानी है, तो ये जो मून वाली इमेज है ये मैंने यूज की है यहाँ पे, अनलॉक किया इसको मूव करने के लिए। तो मैं हर इमेज को अनलॉक क्यों करता हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि मूव करने के लिए हमें अनलॉक करना ही पड़ता है। तो यहाँ से अनलॉक कर देंगे, अब आप इसको मूव कर सकते हैं। जब तक आप इमेज को अनलॉक नहीं करेंगे आप उसको मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया, कंट्रोल टी किया ट्रांसफॉर्म टूल के लिए। अब हमें सब ये मून चाहिए, तो यहाँ पे हम ब्लेंड मोड का यूज करेंगे लाइट में। ये जो लाइट शेड होते हैं, इन 5 में से जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीन सही लग रहा है, मैं स्क्रीन का यूज करूंगा। कंट्रोल टी किया फिर से ट्रांसफॉर्म टूल के लिए, एंटर किया। आप चाहे तो इसमें ब्लर भी दे सकते हैं। तो अगर आपने जो मून यूज किया है या फिर इमेज यूज करी है मून वाली, वो ज्यादा ही शार्प है, तो आप उस पे ब्लर का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको सही लुक मिल जाएगा, रियलिस्टिक लुक मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इमेज लेके आते हैं, ये है। इसका हमें सिलेक्शन लेना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज करते हैं फोटोशॉप का 1920 से नीचे वाला कोई भी, तो आपको क्विक सिलेक्शन टूल मिलेगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं मिलेगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सिलेक्शन लिया है इसने एक ही बार में। कंट्रोल जे किया डुप्लीकेट लेयर के लिए, वी प्रेस किया मूव टूल के लिए, और यहाँ पे लेके जाएंगे कंट्रोल टी। अब ये जो इतना पार्ट है इसको हम सिलेक्टेड मास्क के यूज से हटा देंगे। ब्रश टूल लिया, वी प्रेस किया, तो ब्रश टूल का जो साइज है यहाँ पे 300 पिक्सल्स है और हार्डनेस इसकी 0 रखी है। सॉफ्ट राउंड ब्रश का यूज किया है, साइज स्मॉल किया, एक्स प्रेस किया, यहाँ पे व्हाइट वाला ऊपर आ गया, तो ये जो चला गया वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल 0। अब इस पे हमें एडजस्टमेंट लेयर का यूज करना है, क्लिक किया ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, सिर्फ इसी के ऊपर इफेक्ट है। ओके, क्लिप इन मास्क कर दिया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर ब्लर्स, गाउसियन ब्लर्स। अब हम लेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट ग्रेडियंट ब्लैक कलर रेड आई रिवर्स स्केल। अब लास्ट जो हम टूल यूज करेंगे वो है कैमरा रॉ फिल्टर। तो अभी थोड़ा सा ही सीखेंगे, क्योंकि कैमरा रॉ फिल्टर बहुत ही एडवांस है, उसको सीखने में टाइम लगेगा। तो अभी हम स्टार्टिंग के कुछ बेसिक ही सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, तो ये क्या करेगा, इन सारी लेयर्स का एक लेयर बना देता है। जितने भी हमने यहाँ पे यूज किए लेयर्स, उनकी एक सेपरेट लेयर बना देगा। इसको हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, जिससे हम कैमरा रॉ फिल्टर लगाने के बाद उसको रीएडिट भी कर सकते हैं। फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर। तो सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर कम कर देंगे, ठीक। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो आप कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा सकते हैं इमेज में। फिर ये सब हम सीख चुके हैं, अभी तक हमने जितने भी एडजस्टमेंट लेयर सीखे हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। एक्सपोजर हो गया, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज, व्हाइट, ब्लैक, ये सारे हम सीख चुके हैं। टेक्सचर्स, अब इस इमेज में जितने भी टेक्सचर्स हैं अगर हमें बढ़ाना है तो इसको हम बिल्कुल फुल कर देंगे, टेक्सचर्स फुल। और अगर हमें टेक्सचर्स कम दिखाने हैं तो ऐसा हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरिटी भी सेम कम कर दिए, इमेज की क्लियरिटी एकदम हाईलाइट कर देती है, और यहीं पे कम कर देंगे तो बिल्कुल ब्लर कर देगी। तो ये आपको समझ में आई गए होंगे, ये बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारी सबसे पहले बेसिक क्लियरिटी आती है, ये नाम भी यहाँ पे बेसिक है, बाकी सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे कि मुझे ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है, हम इसको कर देंगे ओके, और ये अप्लाई हो जाएगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और लेयर बन गई कैमरा फिल्टर की। अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करते तो ये वाली लेयर नहीं बनती, नॉर्मल ही रहता। फिर से एक चीज़ रीएडिट करनी है इसलिए मैंने ओपन किया। ठीक, ओके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मैनिपुलेशन के ऊपर, जो हमने इस इमेज को कर दिए। सिंपल सा मैनिपुलेशन है, आप आसानी से बना सकते हैं। जो भी इमेजेस मैंने इसमें यूज करी है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।